उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस जहां एक और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं आज भी उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कई ग्रामीण क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिसका एक उदाहरण कालाढूंगी विधानसभा के उधम सिंह नगर और नैनीताल को जोड़ने वाला बैल पड़ाव बाजपुर मुख्य मार्ग है, जिसका आज भी हाल जस का तस है। आपको बता दें कि ये मुख्य मोटर मार्ग कॉर्बेट नेशनल पार्क को भी जोड़ता है, जिसका सीधा असर उत्तराखंड सरकार के पर्यटन को बढ़ावा देने वाली बात को झूठा साबित करता हुआ नजर आ रहा है। रामनगर से संवाददाता कुलदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। हम राज्य स्थापना दिवस की सारे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। इतने समय में हमारे क्षेत्र में सिवाय विधानसभाओं के विस्तार और तहसीलों के विस्तार के और अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कुछ भी नहीं बढ़ पाया। इसका ताज़ा तरीन और सबसे ज्वलंत उदाहरण नैनीताल उधम सिंह नगर को जोड़ने वाला हमारा बैलपड़ाव बन्ना खेड़ा मार्ग आज भी जिस बदहाली के आंसू बहा रहा है, उसमें कई बार लोग चोटिल हो गए, वाहनों की टूट फूट, कई विद्यालय मार्ग में हैं। कॉर्बेट से जुड़ा हुआ हमारा ये क्षेत्र है तो पर्यटन के लिए सरकार कह रही है, किसानों के लिए कह रही है, शिक्षा के लिए कह रही है, मगर इतने बड़े क्षेत्र के और दो जनपदों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग को हम 20 वर्षों में मरम्मत नहीं कर सके। शायद हमारे पूर्वजों के ज़माने में बैलगाड़ी उस मार्ग से आसानी से गुजर जाती थी, आज बड़े बड़े वाहनों को भी उसमें गड्ढों में कूदते फांदते अलटना पलटना पड़ता है। तो ये विकास जो है वो चहुमुखी विकास जो कल्पना राज्य आंदोलनकारियों की रही, जो शहीदों की रही, उसका कहीं अपमान है। निहित स्वार्थों के लिए राजनीतिक जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा बस जनता को बरगलाया जा रहा है। इस राज्य में दो दो मुख्यमंत्रियों के नाम पर शराब के ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन किसी नेता के नाम पर मार्ग का नाम रख करके क्या हम इस 5 किलोमीटर के छोटे से एक जॉइंट रोड को ठीक नहीं कर सकते? तो ये सब विसंगतियाँ जब तक रहेंगी, विद्यालयों की स्थिति हम जानते हैं, आते जाते छात्रों को जो कठिनाई इस मार्ग से हो रही है, जो पर्यटक अगर उस मार्ग से निकलेगा उत्तराखंड के बारे में उसके मन में जो धारणाएं बैठेंगी, इन सब चीज़ों पर विचार करने की बड़ी आवश्यकता है।